गुड मॉर्निंग मैडम, कैसे आप? सब बढ़िया। आज अपना लाइव लेक्चर में स्टार्ट करते हैं 17 लेक्चर। आपको अगर याद हो थोड़ा सा, तो मैंने आपको टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आपको मैंने पढ़ाया, जिसके अंदर हमने पढ़ा था दो टाइप के एक्सपेंसेस, जिनमें से एक अपना था रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ये हमने पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, आय का खर्च। ये हमने पढ़ा था जी सर। हमने इसके टाइप नहीं करे थे, हमने एक्सपेंसेस के टाइप करे थे। हमने एक्सपेंसेस के टाइप कर दिए कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। और डेफर्ड रेवेन्यू मैंने कहा था होल्ड पे रहेगा, बाद में पढ़ेंगे, जब मुझे पता है मुझे कब पढ़ाना है तो वो अपन बाद में पढ़ेंगे। अब हम आज बात करेंगे बेटा रेवेन्यू एक्सपेंसेस के भी दो टाइप होते हैं, इसके भी दो टाइप होते हैं। फर्स्ट अपना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और सेकंड अपना है बेटा इनडायरेक्ट। ठीक है जी सर। अब डायरेक्ट डायरेक्ट क्या होता है वो हिंदी बताने की मुझे लगता है कोई जरूरत है। डायरेक्ट अपन बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कोई बात किसी को सीधी बोल दी तो डायरेक्ट हो गई, किसी के थ्रू बोल दी घुमा करके तो इनडायरेक्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है नाम पर भी आपको मैटर करना चाहिए, ठीक है। अब ये तो सिर्फ नाम थे, फिलहाल मैं नाम पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, फिलहाल नाम पर डिस्कस नहीं करना। सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ रेवेन्यू एक्सपेंसेस पे बेटा। ये आपको डेफिनेशन याद आनी चाहिए, आयकर खर्चे क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ, वो सभी खर्चे जिसको आपने पेमेंट किया हो या पेमेंट ना किया हो मैटर नहीं करता, लेकिन जिस एक्सपेंसेस का बेनिफिट, जिस एक्सपेंसेस का बेनिफिट मुझे ड्यूरिंग द करंट ईयर मिल गया, जो करंट ईयर मतलब जिस साल में मैं काम कर रहा हूँ अप्रैल से लेकर के मार्च वाला साल, अगर मुझे उस साल में उस एक्सपेंसेस का बेनिफिट मिल गया है तो वो मेरा कौन सा है बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, जिसमें नगद वाले उधारी वाले दोनों एक्सपेंसेस आते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि चाहे आपने पेमेंट किया हो या फिर पेमेंट करना बाकी हो, यानी कि बाद में करोगे उधार वाला, तो वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है बेटा, बेनिफिट मैटर करता है। बेनिफिट ही डिसाइड करता है कि वो एक्सपेंसेस मेरा रेवेन्यू है या मेरा कैपिटल है, ठीक बात है। तो हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं कि जिसका फायदा मिलता है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब उसको मुझे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और ये बहुत बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। इफ यू रिमेंबर माई फर्स्ट क्लास, जहाँ पर मैंने बात की थी किसके बारे में बेटा, एक चार्ट बनाया था, मैंने कहा था ये बुक कीपिंग होता है वो चीज़, ठीक है। फिर मैंने कहा था क्लासिफिकेशन भी करना पड़ता है, समरी बनानी पड़ती है, तो उस समरी के टाइम पर मुझे ये चीज़ बहुत काम आने वाली है, जो कि आपके चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 देखोगे आप बुक खोल के अंतिम खाते फाइनल अकाउंट का चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 में बिल्कुल ये भरा पड़ा है। तो मैं वहाँ पे जंप नहीं कर रहा हूँ, है तो चैप्टर फर्स्ट की बातें लेकिन काम आएंगे, फर्स्ट चैप्टर की बातें आपको पूरे अकाउंट्स में काम आने वाला है। ये बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अपने आगे थोड़ा करते हैं, देखिए आप मुझे बताओ एक बिजनेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर एक बिजनेस का सेटअप की बात करूँ, सेटअप आपने लगाना है, एक बड़े लेवल पे बिजनेस करना है, तो क्या क्या हो सकती है कि सर एक हमारे पास फैक्ट्री होगी, क्या होगा बेटा, एक हमारे पास में फैक्ट्री होगी। मैं बड़े बिजनेस की बात कर रहा हूँ कि फैक्ट्री आपने लगा के रखी है, एक फैक्ट्री हो। बोले सर हम इस फैक्ट्री के बाहर की तरफ एक ऑफिस भी डाल के रखेंगे, होता है ना बेटा, ऑफिस कभी भी फैक्ट्री के अंदर नहीं होता, ऑफिस अलग होता है, छोटा सा ऑफिस होता है भले, ऑफिस अलग होता है, वहाँ से सब चीज़ें मैनेज की जाती हैं, सब चीज़ें क्या की जाती हैं, मैनेज की जाती हैं। तो मैनेज करने के लिए छोटा सा ऑफिस भी होता है जहाँ पर एक मैडम को बिठाया जाता है, एक मैडम है बड़े बात होती है, इनको बिठाया जाता है, ये कंप्यूटर पे कुछ काम करने होते हैं, है कि नहीं, ऐसे कुछ
काम करें तो इस बात के पैसे लेते हैं। हाँ जी सर बिल्कुल। एक फैक्ट्री होती है और हम बाहर से कुछ लोगों से सामान खरीदते हैं बेटा, कुछ लोगों से क्या करते हैं हम सामान खरीद के लेकर के आते हैं, फिर देखो हम क्या क्या करते हैं। आज मैं ड्रॉइंग पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से देखना इसको जरा ड्रॉइंग। हम जाएंगे मार्केट में परचेज करने, ये कौन है इनको हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे बेटा, सप्लायर नाम देंगे, ये हमारे सप्लायर है। सप्लायर मतलब देखो सोचूंगा नाम से, यहाँ से मेरा बिजनेस यहाँ पर, यहाँ सोचूंगा सप्लाई मतलब जो मुझे सप्लाई करता है गुड्स, जो मुझे गुड्स सप्लाई करता है वो कौन है बेटा, मेरा सप्लायर है, आपूर्ति करता जिसको हिंदी बोलते क्या है, पूर्ति करता गुड्स की, जो पूर्ति करता है उसकी बात करो। ओके क्या करोगे आप, यहां पर आप एक ट्रक लेके गए, यहां पर आप क्या करें बेटा एक ट्रक लेके गए, ये ऐसा कोई मॉडल का मैंने ट्रक बनाया है, बहुत से पहिया है इसमें, ठीक है, और ये इसका ड्राइवर जी। इस ट्रक में मैं गुड्स लोड करता हूँ, ये देखो मैंने गुड्स लिखा, क्या है ये गुड्स है बेटा, गुड्स तो समझते हो ना, ये क्या है गुड्स है। तो मैंने एक तो गुड्स परचेस किया है 2 लाख का, 2 लाख गुड्स परचेस किया। अच्छा ये गुड्स अपने आप उठ के रख जाएगा इसके अंदर, नहीं रखेगा ना, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पर कुछ छोटे छोटे लोग जिनको हम बोलते हैं मजदूर, मजदूर बोलते हैं, मजबूर नहीं बेटा मजदूर बोलते हैं, ये मजदूर इस गुड्स को रखेंगे ना यहाँ पे, इस बात की ये मजदूरी लेंगे, इस बात की क्या लेंगे बेटा मजदूरी लेंगे, तो मजदूरी को मैं क्या बोलता हूँ वेजेस, इसमें क्या बोलता हूँ बेटा वेजेस। देखो जो हमारे से पढ़े लिखे लोग तो मजदूरी लेते हैं ना, जैसे ये काम करके मजदूरी ले ना, जो पढ़े लिखे लोग मजदूरी लेते हैं उसको बोलते हैं सैलरी, इज्जत के साथ थोड़ी इज्जत देना जरूरी ना बेटा, पढ़े लिखे मजदूर सैलरी, और जो अनपढ़ लोग बेचारे लेते हैं उनको बोलते हैं वेजेस, वो रोजाना लेते हैं और महीने से लेते हैं, इतनी सी बात है। तो वैसे ही क्या हो गया वेजेस ले लिया। अच्छा ट्रक वाला आ गया, ओ ट्रक वाला आ गया, इस रास्ते से ट्रक वाला आ गया और ट्रक वाला यहां पर पहुंच गया, ये यहां पर लगा दिया ट्रक, अपना पार्क कर दिया है ये ट्रक वाला, सही ना ट्रक, छोटा बड़ा कोई ट्रक वाला बात ड्राइवर बैठा है और ये गुड्स मेरा यहाँ से अनलोड। अच्छा इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, इसको बोलूंगा गुड्स को लोड करना, क्या बोलूंगा लोडिंग करना, गुड्स की लोडिंग करना। यहाँ पर जब मैं सामान उतार के ये गेट बना देता हूँ ना, मैं यहाँ से ये गेट बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं सामान को ला करके रखूंगा यहाँ पर, ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा ट्रक के टायर में अनलोडिंग बोलूंगा, क्या बोलूंगा अनलोड। इसी फोटो के अंदर बेटा सारी बातें छुपी होंगी, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये मैं यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा कि ऐसे ट्रक बना रहा हूँ, ये मजाक नहीं कर रहा, ये आपको छापना भी कॉपी के अंदर प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना मेरी बात को, और ये आपको बार बार दिखाऊंगा कि देखो पेज खोलो और देखो अगर मैंने क्या लिखवाया था, और आपको फटाफट से याद आएगा और तो फिर भूल जाओगे आप लोग, मैंने तो नोट सेट किया उसके अंदर फोटो बनी है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। हाँ जी इसको क्या हुआ गुड्स को अनलोड करवा दिया मैंने। अच्छा इस बात का भी तो वेजेस देना पड़ेगा ना भाई, यहाँ पर भी तो वस्तु काम करेंगे ना जी सर, तो यहाँ पर वेजेस देना पड़ेगा। और ये ट्रक वाले भाई साहब जो हैं ये कौन है, मामा के लड़के थोड़े हमारे जो यहाँ पर ला करके बोलते पेट्रोल पेट्रोल छोड़ जाएंगे, वो वाला काम ठंडा है, ये क्या लेगा, ये इस बात का बेटा लेगा किराया। अब एक बात ध्यान, मकान के लिए जो पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं किराया, रेंट बोलते हैं, रेंट रेंट किराया, ध्यान से सुनना। और जो हम इस तरह के जो सामान के लिए पेमेंट करते हैं ना बेटा सामान के लिए, उसको बोलते हैं भाड़ा, क्या बोलते हैं भाड़ा, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेट, क्या बोलते हैं फ्रेट, ठीक है, इसको हमें पेमेंट करना पड़ेगा फ्रेट भाड़ा, ठीक है जी सर, इसको पेमेंट करना पड़ेगा फ्रेट का, फ्रेट चार्जेस। और अगर आपको थोड़ा सा याद हो ना, देखो क्योंकि आप सब मानसून में रहते हो तो पास में सामान्य रोड है, वहां पर जाकर के देखो बहुत सारे ट्रक चलते हैं, ट्रक के फ्रंट के ऊपर ऊपर जो होते हैं ना केबिन ऊपर वाली, वहां पर लिखा होता है क्या गुड्स कैरियर, क्या लिखा होता है गुड्स कैरियर, इसका क्या मतलब होता है भाई, कभी सोचा आपने
गुड्स का मतलब तो देखो यहाँ पढ़ लेना आपने, इससे पहले आपको गुड्स का पता ही नहीं क्या होता है। गुड्स गुड्स आपने यहाँ पढ़ा, जिस आइटम में डील करते हो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है वो गुड्स। और कैरियर का मतलब होता है ढोना, तो गुड्स कैरियर मतलब जो सामान ढोने वाला एक वाहन होता है उसको बोलते हैं गुड्स कैरियर। कैरियर लाने ले जाने वाला, कैरियर मतलब का कैरियर को अपना फ्यूचर वाला कैरियर के बाद में गुड्स कैरियर मतलब गुड्स को लाने और ले जाने वाला वाहन, इसलिए इसके ऊपर लिखा होता है गुड्स कैरियर। तो वो यही काम करते हैं ना, इसके यहाँ से सामान वहाँ पहुँचा दिया, दिल्ली से मुंबई पहुँचा दिया, वहाँ से वहाँ पहुँचा दिया, तो उनका काम ये होता है। तो इस बात को क्या कहते हैं वो फ्रेट कहते हैं। ठीक है बेटा, ओके जी, भाड़ा लेते हैं। ये सारे खर्चे हो गए यहाँ पर, जी सर हो गए, सामान को यहाँ पे रखा है। अब आती है बात फैक्ट्री का, बेटा रेंट भी तो देना पड़ेगा, फैक्ट्री का रेंट भी तो देना पड़ेगा। जी हाँ सर, बिल्कुल रेंट देना पड़ेगा। और ये गुड्स तो हमने इधर से परचेस कर लिया, ये यहाँ पे रखा हुआ है, इस गुड्स को मैं मार्केट में सेल भी तो करूँगा बेटा। ये तो मैंने परचेस किया है, ये तो मैंने क्या करा है परचेस। अगर मैं सब बोलूँ परचेस तो क्या समझोगे आप लोग, आप लोग समझोगे सर गुड्स के परचेस की बात हो रही है, इसको मार्केट में सेल कर दूंगा किसी को। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि फैक्ट्री से सीधा सेल नहीं होता, आपको अगर ध्यान में हो तो कुछ लोग अपना एक शोरूम रखते हैं, है ना, जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी टाटा गाड़ी आती है ना, टाटा की कार आती है, या फिर टाटा की जो क्या बोलते हैं ट्रक आते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो टाटा के शोरूम पे मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं बेटा, टाटा गाड़ी कहाँ मिलेगी, टाटा के शोरूम पे। उनकी चैन कैसे, उनकी खुद की फैक्ट्री है, वहाँ पर बनाते हैं, वो खुद के शोरूम है, वहाँ से वो सामान बेचते हैं। सामान शोरूम में ला के रखे हों और फिर यहाँ से बेचा हूँ, यहाँ से भी सेल किया हूँ कस्टमर फाइनली, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये सब चीज़ें होगी, और इन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, इन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए ऑफिस होता है। ठीक है, ओके जी। अच्छा, यहाँ पर भी तो कुछ खर्चे होंगे, यहाँ पर क्या सर इसका रेंट भी जाएगा, यहाँ पर सर लाइट का बिल भी जाएगा, इधर मैडम जी को सैलरी भी तो देनी पड़ेगी, यहाँ पर एक स्टोर कीपर होगा उसको तो सैलरी देनी पड़ेगी, शोरूम में सेठ जी बिठाएंगे उसको तो सैलरी देनी पड़ेगी, यहाँ पर भी तो रेंट जाएगा, यहाँ पर भी तो सैलरी जाएगी, यहाँ पर भी तो बेटा लाइट का बिल जाएगा, है कि नहीं। अगर फैक्ट्री है तो गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट भी करूंगा, तो यहाँ पर भी तो वेजेस जाएगा, यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होंगे जिनकी सैलरी जाएगी। तो इस तरह से खर्चे वर्चे होते रहते, टेलीफोन का खर्चा हो गया, ठीक है, इस तरह से खर्चे होते रहते। एक बिजनेस इस तरह से काम करता है, एक बिजनेस इस तरह से काम करता है। कभी कभी आप यहाँ से यहाँ सामान लाने और ले जाने के लिए भी तो फ्रेट देते हो, इस बात का तो कभी होता नहीं कि यहाँ फैक्ट्री से शोरूम में सामान पहुँचा रहा है, या फिर कभी कभी हम डिलीवरी भी करते हैं तो डिलीवरी वैन भी लेके जाते हैं, तो डिलीवरी वैन का भी तो खर्चा आता है बेटा, है कि नहीं। हम कस्टमर को डिलीवरी दे रहे हैं किराए से, तो हम फ्रेट या तो उससे चार्ज कर लेते हैं या तो पेमेंट कर देते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो कुछ बिजनेस इस तरह से चलता है क्या, बोले हाँ सर इस तरह से चलता है। यहाँ पर बहुत सारे खर्चे होते हैं ना, लाइट वाइट के, इस तरह से एसी वगैरह लगा रखे, मैडम जो गर्मी लेते हैं एसी में, एसी चाहिए उनको तो एसी भी लगा रखे होते हैं, तो एसी का बिल भी आएगा ना आपका, तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैनेज आपकी, इस तरह से बिजनेस चलता है। अब मैं बात आती है, मेरी बात सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पर जो भी खर्चे लिखे हैं, जो भी मैंने नाम लिखे ना खर्चों के, सारे खर्चे कौन कौन से, सर वेजेस या फिर लोडिंग चार्जेस, एक ही बात, ये भी तो एक्सपेंसिव है। सर गुड्स हमने परचेज किया है, ये भी तो खर्चा है, परचेज किया, पेमेंट किया, अभी कर दिया तो भी खर्चा है, बाद में करेंगे तो भी खर्चा है। अच्छा, ये फ्रेंड भी पेमेंट कराए, ये भी खर्चा है। यहाँ पर अपन आएंगे तो वेजेस पेमेंट किया है इस मोमेंट पे, इस डोर पे, वो भी तो खर्चा है। इधर सैलरी वेजेस लाइट के ऑफिस में सैलरी पेमेंट करना, इसका रेंट पेमेंट करना, ये सब के सब क्या है बेटा, एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स लिखे हैं। आप मुझे बताओ, इन सब के नाम पढ़ के मुझे बताओ कि इनमें से कौन कौन से रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं और कौन कौन से कैपिटल एक्सपेंसेस हैं। और मुझे बहुत पता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं आपसे मिला नहीं हूँ अभी तक, मुझे पता है, लेकिन कि यहाँ के टेंथ के बच्चे बड़े कौन आते हैं, फिलहाल फिलहाल ग्रंथ में आए हैं, तो वो सबका पढ़ते बता दिए कि सर ये तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, कैपिटल में है ही नहीं। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस ने पूछा बेटा कैसे है रेवेन्यू एक्सपेंसेस, आप लोगों के सर पढ़ के देख लो, वेजेस है, अभी माल ऑर्डर करवाया, अभी बेनिफिट मिल गया, वो मजदूर अपने घर पे चले गए, हमको उनसे कोई मतलब नहीं, बेनिफिट हमको करंट में मिल गया, गुड्स हमने परचेस किया, अभी परचेस किया,
है रेवेन्यू एक्सपेंसेस, उसका बेनिफिट हमको मिल गया। इधर हमने ट्रैक वाले को बता दिया भैया कितने दिन का, एक दिन में सामान पहुंचा दिया, एक दिन का भाड़ा दे दिया, उसका बेनिफिट हमने ले लिया, तो हमको बेनिफिट करंट ईयर में मिल गया, चाहे वो सैलरी हो महीने का बेनिफिट या महीने का पेमेंट करा, लाइट का बिल महीने की लाइट कंज्यूम करी महीने का बेनिफिट लिया, तो करंट ईयर के अंदर बेनिफिट खत्म हो गया है। इसी वजह से सारे एग्जाम्पल्स कौन से हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस के। अब मुझे ये डिसाइड, जो मेरा मेन पॉइंट है वो क्या है, मुझे ये डिसाइड करना है इन सभी रेवेन्यू एक्सपेंसेस में से कौन कौन से रेवेन्यू एक्सपेंसेस डायरेक्ट हैं और कौन कौन से इनडायरेक्ट। एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये लाइन ऐसी है बेटा, फैक्ट्री में ध्यान से सुनना जरा, बोल रहा हूं क्या पहचानने के लिए, पहले पहचानने के लिए बोलता हूं, फैक्ट्री तक लगने वाले सभी खर्चे, क्या फैक्ट्री तक लगने वाले सभी खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। कुछ एक्सपेंसेस फैक्ट्री के अंदर भी ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट होंगे, मैं एग्जांपल दूंगा आपको थोड़ी देर पहले, लेकिन क्लियर कट, एकदम क्लियर कट लाइन पर होना, बिल्कुल कंफ्यूजिंग मामला थोड़ा बहुत कहां हो सकता है, यहां पर हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको यहां पर ड्रॉ ना करके आपको बिल्कुल एकदम क्लियर कर दो चीज को, इसको यहां पर जिसके अंदर ऑफिस नहीं है बेटा, ऑफिस साइड में होना चाहिए, ऑफिस में साइड में होना चाहिए, ऑफिस इसमें नहीं आया, ऑफिस में नहीं आया, ऑफिस यहाँ पर कर दिया, ये मैडम ने बिठा दी, ये कंप्यूटर बना दिया और ये भी सैलरी दे दी। अब मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये लाइन है, मैं यहाँ से बोलता हूँ फैक्ट्री तक के सभी खर्चे, फैक्ट्री तक के सभी खर्चे, या मैं ऐसा कहता हूँ फिनिश गुड्स बनने तक के सभी खर्चे क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये पहले वाले क्या होते हैं बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसके बाद जो भी होते हैं, इसके बाद जो भी होते हैं वो सब के सब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी फैक्ट्री के बाहर कुछ भी हो, ऑफिस में कुछ भी हो रहा हो, शोरूम में कुछ भी हो रहा हो, सेल को बेचते टाइम कुछ भी हो रहा हो, वो सब के सब क्या है बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। उससे पहले के सारे क्या हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो डेफिनेशन जब पढ़ोगे नोट्स के अंदर तो आपको ये बात भी देखने मिलेगी कहाँ तक के खर्चे क्या हैं और ऐसा क्यों होता है। अब मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, ये ऐसा है बेटा, अगर गुड्स के ऊपर कोई खर्चा सीधा गुड्स के ऊपर लगा सीधा, तो क्या बोलेंगे उसको, डायरेक्ट। सोच के देखना, सोच के देखना, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात आइटम परचेज, मैंने 7 गुड्स के डब्बे परचेज करे हैं, ठीक है, और मैंने ये इधर 700 रुपये दिए, मैंने मजदूरी कितने दी, 700 रुपये दिए। आप सोच के देखो एक डब्बे पे मैंने कितने दिए, अगर मैंने 700 रुपये किसी को दिए हैं और 7 डिब्बों के लिए दिए हैं तो बेटा एक के लिए मैंने कितना दिया होगा, 100 रुपये दिए, एक के लिए 700 बटा 7, मैंने एक डब्बे में कितना खर्चा आ गया मेरा 700 रुपये का। तो मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर आइटम के ऊपर डायरेक्टली कितना खर्चा लगा, मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, उसको बांट सकता हूँ मैं। अगर मैं फ्रेट वाले की बात करूँ तो मैंने अगर बेटा इसको 14,000 रुपये का पेमेंट कर दिया फ्रेट का, 14,000 रुपये मैंने इसको भाड़े के देखे 14,000, तो 14,000 डिवाइडेड बाई 7 कर लो तो एक डिब्बे में कितना पेमेंट करा वो निकल जाएगा। तो इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट एट्रीब्यूट कर सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ पर आइटम के बेसिस पर, पर आइटम के बेसिस पर। उसी तरह से मजदूरी यहाँ पर जो गिन सकता हूँ मैं, और यहाँ पर अगर मैं काम करूँगा तो मजदूर एक दिन में कितने पीस बनाते हैं, अगर आप किसी कोई बच्चा जानता हो तो पर पीस के हिसाब से कि आज इतने पीस बनाए उसके हिसाब से आपको एक पीस पर 10 रुपये मिलेंगे, 100 बनाए 5,000 मिलेंगे, तो पीस के ऊपर काउंट हो सकता है आराम से। तो यहाँ पर सारे बच्चे बच्चे पीस के ऊपर काउंट हो सकते हैं। लाइट भी बेटा होती है, फैक्ट्री के अंदर कौन से एरिया में कितने लाइट पॉइंट्स लगे, कितनी लाइट लगी हुई, उसका कितना बिल आ रहा है, उस हिसाब से देखा जाता है। तो ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, इसीलिए हम लोग मानते हैं कि डायरेक्टली उस खर्चे उस गुड्स के ऊपर लग रहे हैं, गुड्स के ऊपर देखा पता है ना, तो गुड्स के ऊपर सीधा कौन सा खर्चा लग रहा है वो डायरेक्ट है, वो यहाँ तक होता है। उसके आगे आप सोच के देखो जरा, ये मैडम जो बैठी ना ऑफिस में, ये सारा बिजनेस मैनेज भी करती है, ये बैंक में जाके भी काम करके आती है, कुछ किसी को पेमेंट करना हो, चेक पर देना हो,
वो भी सारा काम करती है, संभालती है, ये कॉलिंग भी करती है, इधर सेल को भी देखती है, शोरूम वाले से बात करती है, यहाँ से भी करती हैं, इनको मैनेज करते हैं, सारा काम संभालती हैं और इनको सैलरी तो पेमेंट की जाती है। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि वो जो सैलरी पेमेंट की गई थी वो कितनी यहाँ के लिए थी, कितनी यहाँ के लिए और कितनी यहाँ के लिए? तो उसको पर इजीली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते गुड्स के ऊपर। इस वजह से मैंने कहा कि या तो हमने गुड्स की वजह से ये सारा काम, क्योंकि गुड्स बेच करके क्या कमाएंगे, फ़ायदा कमाएंगे, लेकिन उसकी सैलरी को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते इसीलिए। लगा तो किसके लिए है, गुड्स के लिए, लेकिन कैसे लगा, इनडायरेक्ट वे में लगा, डायरेक्ट नहीं लगा, इनडायरेक्ट वे में लगा, इसलिए हमने क्या बोला इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये है तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही, तो इस तरह के जो बाइट के खर्चे होते हैं वो सारे सारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ये आपको क्लियर कर समझ में आना चाहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू आज के लिए।